हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 8085 पदों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पेट परीक्षा उत्तीर्ण वैध स्कोर कार्ड जारी जिनका हुआ है, वो अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उनको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ₹25 का प्रोसेसिंग फीस आपका लगेगा, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को पढ़ा होगा, देखा होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की कार्यशैली अभी भी उत्तर प्रदेश के युवाओं में समझ से परे है। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा। कल तो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, लेकिन इस प्रकार से आयोग अभी भी कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेगा लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए, ये भी अभी पर्दे के पीछे है। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण खबर जो आप सभी युवाओं के लिए है, उत्तर प्रदेश पेट परीक्षा पास सभी अभ्यर्थियों के लिए है, वो आप सभी लोगों को जानना जरूरी है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्रत्येक को महत्वपूर्ण खबर जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जरूरी हो, उपयोगी हो, सबसे पहले आपके मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाईफाई स्टडी चैनल के माध्यम से पहुँचाई जा सके। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे और देखते महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए जरूरी है, उपयोगी हो। यहाँ से ये वो इन्फॉर्मेशन है फीस को लेकर के, यानी जैसा कि उत्तर प्रदेश में मचा बवाल, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को धोखे में रखा है। प्रोसेसिंग फीस आप सभी लोग जिन्होंने दिया था, परीक्षा पैट परीक्षा दिया था, वो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ₹25 प्रोसेसिंग फीस आप देख सकते हैं सभी का रखा गया है यहाँ पर। लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों को जानना है, ये जो पैरा है पूरा ये रीड करना पड़ जरूरी है। इसको रीड करेंगे तो खुद ब खुद चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप सभी लोगों के। यहाँ दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यानी जो ₹25 का आपका प्रोसेसिंग फीस लिया जा रहा है, आप सभी जितने अभ्यर्थी हैं आवेदन कर पाएंगे, ₹25 आपको देना होगा। आयोग बिल्कुल खजाना भरने की तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण चीज़ लिखी गई है, यहाँ से देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा हेतु जब आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, उसमें से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी युवाओं के लिए है जरूरी। तो ये जरूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क परीक्षा फीस जैसा कि आयोग या फिर शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी सरकार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थियों से चंदा इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है, वो आपसे लिया क्या जाएगा, ₹25 लिया जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट परीक्षा की पच्चीस, आखिरकार ये चीज़ें क्या हो रही हैं, आपने पेट परीक्षा किस लिए कराया था, आपको नहीं पता कि कितने अभ्यर्थी कितने परसेंटाइल नंबर पाए हुए हैं। यानी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को बिल्कुल अभी भी उनको एक ऐसे माहौल में, अनिश्चितता के माहौल में रखा है कि आप सभी लोग आइए, सभी की परीक्षा होगी, सभी को नियुक्ति मिलेगा। बिल्कुल एकदम से सरकारी, जिसे सरकार जिस प्रकार से उलझे में रख रही है, उसी प्रकार से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभ्यर्थियों को रख रहा है। अब इसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, शासन के द्वारा, आयोग के द्वारा जो फीस निर्धारित किया जाएगा, उसके लिए आपको जब प्रवेश पत्र आप डाउनलोड करेंगे, उसके पूर्व पेमेंट करना पड़ेगा। यानी बिल्कुल फंसाने और बझाने का काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। उन लाखों अभ्यर्थियों को, सपनों को फंसाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। यानी पेमेंट के बाद पेमेंट, ₹185 आपने पेट परीक्षा के लिए दिया, ₹25 आप यहाँ देंगे, उसके बाद कितना फीस तय किया जाएगा ये भी आप सभी लोगों को अभी नहीं पता है। आपको क्या पता, आयोग को भी नहीं पता है कि कितना फीस लिया जाएगा। यानी जो उनके मन में आएगा वो उतना फीस निर्धारित करके आपसे एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने से पूर्व भी पेमेंट करा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से
अब यहाँ ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन कौन लोग आवेदन करें ताकि उनको शॉर्ट लिस्ट किया जा सके। तो देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जी हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 65% ना कि नंबर 65% बन रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ऑनलाइन आवेदन करिए। 25 रुपये की बात है तो आप लोग ज़रूर प्रोसेसिंग करिए, ज़रूर ऑनलाइन आवेदन करिए। हो सकता है आयोग का मूड है, क्या कुछ करता है हम सभी को नहीं पता है, हो सकता है कुछ अच्छे कदम उठा ले आयोग, ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुला ले, 5 लाख 6 लाख 10 लाख को बुला ले, क्योंकि सब कुछ कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दे पर घूम रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसके भर्तियों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, यानी एक रीढ़ की हड्डी अगर भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, बिल्कुल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फंसाने अभी भी बजाने का काम कर रहा है। तो इससे हम सभी लोगों को निश्चित तौर पर सतर्क भी रहना है, और विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसका पूरा पूरा परिणाम जो है इस वर्तमान सरकार को, आप सभी लोगों को हिसाब लेने का समय आ रहा है। आप अपने विचार रखिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप सभी लोग जितने भी मैंने आपको बताया कि अगर आप परसेंटाइल आपके 65-60 के आसपास बन रहे परसेंटाइल पेट परसेंटाइल आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दीजिएगा। SC ST OBC उसी के हिसाब से 2-4% नीचे भी अगर हैं तो आप सभी लोग जरूर ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। इस भर्ती के लिए 25% फीस मत देखिएगा, हो सकता है आयोग कुछ अच्छे कदम अगर उठा ले तो निश्चित तौर पर हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही भले का हो जाएगा UP SSC के द्वारा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी जो आज आप तक पहुंचाना ज़रूरी था, क्योंकि मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में जब से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग आवेदन करें या ना करें, हमारे परसेंटाइल कम है तो इसमें क्या दिक्कत आ सकती है। तो दिक्कत कुछ नहीं आने वाली है, आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, केवल 25 रुपये की बात है। तो आप सभी लोग ज़रूर इस भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करिए, जैसा भी कुछ होगा बहुत जल्द इसके संबंध में आपको सब कुछ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मिलेगा। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी आप तक पहुँचा दी गई है राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से। फ्रेंड, खबर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिएगा। उत्तर प्रदेश में एक बहार सा आया था, लेकिन वो बहार कहीं ना कहीं एक खोखला दिख रहा है, किस प्रकार से अभी भी जो है फंसाने का काम किया जा रहा है, अभी भी सब कुछ पर्दे के पीछे है, सब कुछ पर्दे के पीछे है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी भी सब कुछ सामने नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप 25 रुपये कोई मत सोचिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 60-65% के आसपास हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन ज़रूर कर दीजिएगा इस लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, पेट परीक्षा अगर आपने दिया होगा तो, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, यानी इस प्रकार से लाखों अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए उन भाग्यशाली अभ्यर्थियों का क्या नाम होगा, क्या प्रक्रिया होगी, अभी सब कुछ पर्दे के पीछे है, वो बक्से में बंद है। अभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कब उसको बाहर करेगा, ये आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद, यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं कल से ये उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों को पता होगा 28 जनवरी तक चलने वाली है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप तक पहुंचाई गई है राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।